हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल आर फाइन कैसे हैं क्लास एट देखिए टुडे इज ट्यूसडे सो इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर वन दैट इज हेल्थ इन इंडियन स्लम्स साथ ही साथ जो है इंग्लिश ग्रामर को भी हमें कंप्लीट करना है ओके okay? एंड वी हैव टू ड ग्रामर बोथ ठीक है सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर वन दैट इज़ हेल्थ इन इंडियन स्लम्स जो भारतीय जो झुग्गियाँ होती हैं उनमें स्वास्थ्य का क्या प्रभाव होता है किस तरह से स्वास्थ्य का वहाँ पर यूज़ है कैसे वो स्वास्थ्य की बात होती है तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे तो बिफोर यू रीड लेट्स डिस्कस अबाउट द दैट व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डेथ इन इंडिया कह रहा है कि जो मृत्यु होती है भारत में उसका एक प्रमुख कारण क्या है है ना तो इसी पे चर्चा करते हैं हम आज हेल्थ इन इंडियन स्लम्स देखिए इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है आंसर्स होंगे वो सब कुछ आप और ऐसा नहीं है कि पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसके बाद आप कहें कि ये साफ नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होगी तो इसलिए ध्यान से पढ़िए चैप्टर्स को क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है टाइम पे ठीक है तो और फीडबैक भी देते रहिए यू शुड गिव योर फीडबैक ओके और जो भी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी वो हमें आप बताएंगे ठीक है हम व कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाइड करें बाय योर आंसर्स ओके चलिए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ इन इंडियन स्लम्स सो हेल्थ इन इंडियन स्लम्स इनसाइड मुंबई बिजिएस्ट पब्लिक स्कूल पब्लिक हॉस्पिटल जो मुंबई का जो सबसे व्यस्त जो पब्लिक हॉस्पिटल है वहाँ की ये चर्चा है ठीक है हेल्थ इन इंडियन स्लम्स देखिए कह रहा है कि अः डॉक्टर हैज वर्क फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन मुंबईस धारावी स्लम स्टार्टिंग विथ थ्रोइंग आउट डल्टी इनक्यूबेटर्स है ना अब यहाँ कह रहा है कि जो डल्टी इंक्यूबेटर्स हैं उनको थ्रो करने के बाद यहाँ पे जो धारावी का जो स्लम है झुग्गिया हैं वहां की ये, जो है बात हो रही है सो अक्टूबर थर्टी मुंबई मुंबईज बिगेस्ट पब्लिक मेडिकल सेंटर सियोन हॉस्पिटल ओके वॉट इज सियोन हॉस्पिटल स्टैंड एज अ डेफिशेंसी लैंडमार्क ऑन द साउथ ईस्ट बॉर्डर ऑफ दन ऑफ द सिटीज मोस्ट वेल नोन स्लम्स कह रहा है कि मुंबई का जो मुंबई का बिग्स्ट पब्लिक मेडिकल सेंटर है सीओन हॉस्पिटल स्टैंड एज अ डिफाइनिंग लैंडमार्क ऑन द साउथ ईस्ट बॉर्डर ऑफ वन ऑफ दिटीज मोस्ट वेल नोन स्लम्स ठीक है और वहाँ पे एक वेल नोन स्लम्प्स है सिटी का ठीक है साउथ ईस्ट बॉर्डर पे क्लियर है अनटिल द नाइनटीन सेवेंटीज धारावी वॉज एंड आफ्टर था आउट पोस्ट इन पेनन्सुलर सिटी पेनसुलर सिटी में ये क्या है आफ्टर थोट आउट पोस्ट था मतलब कि बिल्कुल जो है उसको कोई आ, बिल्कुल एकदम खाली सा जगह था पेनसुलार सिटी में लेकिन अ पीरियड ऑफ रैपिड माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन रस्ट द सीटीज पॉपुलेशन नॉर्थ वार्ड और इस तरह से क्या हुआ कि रैपिड माइग्रेशन होना शुरू हुआ रैपिड माइग्रेशन मीन्स काफ़ी तीव्र गति से वहाँ पर प्रवासी जाने लगे ठीक है प्रवास प्रवासी बसने लगे और जो शहरीकरण होने लगा अर्बनाइजेशन सिटी को रश कर दिया मींस डेंसली पॉपुलेटेड होने लगा वार्ड में क्लियर है एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया सेटल्ड देयर जो प्रवासी थे ठीक है पूरे भारत से वहां पे सेटल होना शुरू किए द एरिया बिकेम अ रेजिडेंशियल एंड अ प्रोडक्टिव हब ठीक है और एरिया क्या हो गया रेजिडेंशियल एंड प्रोडक्टिव हब ऑफ द इनफॉर्मल इकोनमी हो गया जस्ट लाइक like आपका पॉटरी होने लगा रिसाइकलिंग फूड प्रोसेसिंग होने लगा लेदर मेकिंग होने लगा गारमेंट इंडस्ट्रीज हो गए लिव्ड एंड वर्क्ड इन द वन किलोमीटर एरिया वन किलोमीटर एरिया में वो क्या होने लगे इसका काम शुरू होने लगा छोटे छोटे जो आर्थिक गतिविधियाँ थीं औपचारिक औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से इसमें प्रोग्रेस करने लगी टुडे अगर आज की बात करें तो एनी वेयर फ्रॉम सिक्स लैख टू तो अ मिलियन नो गुड फिगर एग्जिस्ट ये मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पीपल इज क्वीज इंटू द टीनी प्लॉट ऑफ लैंड इन मैच बॉक्स लाइक होने होम्स दैट द मोस्ट बेसिक सर्विसेज मतलब आज का ये दौर है कि छ लाख से मिलियन तक लोग जो हैं इसमें क्या हो गया पीपल छोटे छोटे कमरों में मैच बॉक्स की तरह यह प्लॉट या लैंड में रहना शुरू किए और मतलब संघर्ष काफी संघर्ष करने लगे बेसिक सर्विसेस को पाने के लिए ठीक है द मेडिकल सेंटर सियोन हॉस्पिटल ओपन इन नाइनटीन और उन्नीस सन उन्नीस सौ सैंतालीस में सियान हॉस्पिटल का यहाँ पे क्या हुआ सियान हॉस्पिटल स्थापित हुआ एंड हैज़ हैड टू डील विथ अनप्रेडिशेंटेड ठीक है अनप्रेसिडेंटेड का मीन्स होता है अनुभवहीन ठीक है अनुभवहीन मतलब कि जिसकी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती या फिर जो पूर्वानुमानित ना हो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड अ एंड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज दैट अ कंपनी द एक्सट्रीमली पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ठीक है इसके बारे में उन लोगों को पता भी नहीं था, था कि इस तरह से जो है लोग स्लम्स में रहेंगे और इनकी कंडीशन जो है इतनी खराब हो जाएगी ठीक है इट वॉज नॉट अनटिल नाइनटीन सेवेंटी सिक्स दैट द गवर्नमेंट बिगेन प्रोवाइडिंग वाटर एंड एलेक्ट्रिसिटी ठीक है उन्नीस सौ छिहत्तर तक जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया एंड इवन टुडे दो सर्विसेज डोंट रीच ऑल रेजिडेंट्स और आज का आज का ये दौर है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिन तक ऐसे भी घर हैं ऐसे सलम्स हैं कि उनके यहाँ ये रेजिडेंट्स तक जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है ओवर द ईयर्स क्रैम्प्ड लिविंग क्वार्टर्स लैक ऑफि ट्रैस इश्यूज एंड अनसेफ वाटर हैव क्रिएटेड सीरियस हेल्थ रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मीन्स होता है कि ये जितना भी जो सेनेटेशन के कमी के कारण या फिर अनसेफ वाटर के कारण ये रेमिफिकेशन फॉर द कम्युनिटी। मतलब कि इसका पर काफ़ी बुरा परिणाम इन लोगों को झेलना पड़ा ठीक है इन सब सबके कारण इन सब के कमी के कारण ठीक है बच्चों तो आ, आज आपने ये देखा अबाउट द हेल्थ इन इंडियन स्लम्स का इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा ठीक है इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द हेल्थ इन इंडियन स्लम्स जहाँ तक हम ग्लोरी ग्लोजरी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर नोन और डन बिफोर ठीक है कभी नज, कभी जाना हुआ नहीं या फिर पहले किया हुआ नहीं ठीक है रेमिफिकेशन की बात करें वर्ड मीनिंग्स लिखते जाएंगे आप लोग ठीक है कंप्लेक्स रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और इवेंट और वर्ड मीनिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वर्ड मीनिंग्स के लिए मैं इसका हिंदी में आप लोग को मीनिंग इसका दूंगा ठीक है आप उसको लिख लेंगे अपने फेयर कॉपी में अपने वर्ड uh, मीनिंग वाली कॉपी में एक वर्ड मीनिंग की आप लोग को अलग से कॉपी बनानी है ठीक है बच्चों तो ये रहा आपका क्लास uh, एट का टूडेज हेल्थ इन इंडियन स्लम्स तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होंगी और जो भी इसमें से डाउट आएंगे ठीक है आप उसको वॉइस मैसेजेस से या फिर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर ये डाउट है मैं उसको क्लियर करूंगा ठीक है तो आपको ध्यान देना है कि एक डायरी बनानी है जिसमें आपका वर्ड मीनिंग सी सिर्फ होगा ठीक है इंग्लिश टेक्स्ट बुक वर्ड मीनिंग्स या फिर इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स ठीक है उसमें जिससे जो, जो चीज़ें होंगी फॉर uh, एग्जांपल हिंदी में उसका अगर आपको शब्द का अर्थ चाहिए तो मैं डेफिनेटली दूंगा और उसमें एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा ठीक है बच्चों तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास थैंक यू